कोरोना संक्रमण के बीच मूर्ति विसर्जन के साथ मंगलवार को शारदीय नवरात्र धूमधाम से संपन्न हो गया। ढोल नगाड़ों की थाप और जयकारे के साथ देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का पवित्र बैनगंगा नदी में विसर्जन किया गया। दोपहर बाद मूर्ति विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। छपारा नगर की सभी दुर्गोत्सव समितियों ने हर्षोल्लास के साथ मां भवानी की स्थापना कर भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा उत्सव मनाया गया। पुलिस व राजस्व अमले ने दुर्गा उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगर के सिद्धि बाबा घाट में सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। राजस्व निरीक्षक कन्हैया शिवहरे ने बताया कि घाट में नाव व प्रशासन के द्वारा तैराक की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा सभी मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। समितियों के सदस्यों को जल में जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। सभी प्रतिमाओं का विसर्जन 6 बजे तक सम्पन्न कराया जाने के आदेश हैं, जिसमें तैराक भी हैं और पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर सिर्फ जो मूर्ति विसर्जन करने वाली समितियाँ आ रही हैं उनसे मूर्तियाँ जल के बाहर ही रखवा ली जाती हैं और हमारी जो टीम है वो खुद मूर्तियाँ विसर्जन करने के लिए नाव में ले जाती हैं और विसर्जन करती हैं। समिति के किसी भी सदस्य को मूर्ति के साथ जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसी यहाँ पर हमारी व्यवस्था की गई है कि पानी में कोई किसी को भी घुसने की अनुमति नहीं है। कितने समय तक ये मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम जारी रहेगा? मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम 6 बजे तक का नियत किया गया है कि 6 बजे के पूर्व ही, संध्या के पूर्व ही मूर्ति विसर्जन की जाएंगी और सभी को सोशल डिस्टेंस में रहने के लिए और मास्क लगाने के लिए भी एहतियात बरतने के लिए चेतावनी दी गई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।